आज मैं आपको बताती हूँ कि अरिका पाम की केयर कैसे की जाए। अरिका पाम एक इंडोर हाउस प्लांट है, लेकिन इसे आप पार्शियली शेडेड एरिया में भी रख सकते हैं, जैसे कि आप इस बालकनी में भी रख सकते हैं। अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो इसे कॉरिडोर में भी रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अरिका पाम एयर प्यूरीफाई करता है, इसलिए मैंने तो इसे इंडोर ही रखा हुआ है। लेकिन मैंने इस बात का भी ख्याल रखा हुआ है कि जिससे इसे ब्राइट लाइट भी मिलती रहे और ताजी हवा भी मिलती रहे, इसलिए मैंने इसको विंडो साइड में रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से ब्राइट लाइट भी आती है और हवा भी आती है। देखिए मैंने किस तरीके से इसको विंडो साइड में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसके जो ग्रोथ है कितनी अच्छी चल रही है, और इसकी जो लीव्स का कलर है वो भी ग्रीन है। नहीं तो आपने देखा होगा कि कुछ अरिका पाम के जो लीव्स होती हैं उनके वो येलो कलर की हो जाती हैं या जली जली सी लगने लगती हैं, तो वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा धूप में रखने से भी अरिका पाम की जो लीव्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। अरिका पाम की केयर काफ़ी इजी है। अरिका पाम की जो सॉइल है वो मॉइस्ट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जब भी आप पानी दें तो पहले चेक कर लें कि सॉइल आपके हाथ में चिपक रही है कि नहीं चिपक रही है, विच मीन्स कि अगर हाथ में चिपक रही है तो आपको पानी नहीं देना है, क्योंकि ओवर वाटरिंग आप चाहे किसी भी प्लांट्स को करो उसकी रूट्स डैमेज हो ही जाती हैं। आधे से ज़्यादा लोग मेरे को यही क्वेश्चन करते हैं कि जो मेरी पीस लिली है वो बेकार हो रही है, अरिका पाम है उसकी लीव्स बेकार हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, डैमेज अजीब सा लग रहा है देखने में। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ओवर वाटरिंग का है। आप फर्टिलाइज़र भी मत दो अपने प्लांट्स को, लेकिन अगर आप सिर्फ ओवर वाटरिंग करने से बच रहे हैं तो आपका जो प्लांट्स है वो काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। मैं अपने अरिका को 1 वीक में एक बार पानी देती हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है विंटर्स में, ये दिक्कत होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है कि जो हमारा ये अरिका पाम है इसके लीव्स येलो कलर की हो जाती हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं पानी भी ज़्यादा दे देते हैं, क्योंकि इंडोर रहता है तो ताज़ी हवा नहीं मिलती पेड़ को। तो इस वजह से आप इसमें क्या कर सकते हैं, विंटर में अगर आप 4-5 घंटे की सनलाइट अगर दिखा दो तो अरिका पाम के लिए सफिशेंट है। लेकिन आप ये चीज़ देखिए, मैंने इसको एक ही प्लेस पे रखा हुआ है 4 साल से। अगर हम इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसको अगर 7 मंथ्स में अगर एक बार फर्टिलाइज़ कर दो तो सफिशिएंट है, और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है आप वो भी इसे प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो भी आपके प्लांट्स के लिए अच्छे रहते हैं। कुछ वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेरी ये मिट्टी है गार्डन सॉइल, इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है, इसमें प्योर सॉइल है। मैं बस क्या करती हूँ इसको 15 डेज़ के गैप में लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका अरिका भी हरा भरा दिखे तो बस इतनी ही केयर इसके लिए सफिशिएंट है कि आप एक ओवर वाटरिंग का ध्यान रखें, और दूसरा ध्यान रखें कि इसको ताज़ी हवा और ब्राइट लाइट मिलती रहे। मैं सनलाइट की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे मैं सिर्फ ब्राइट लाइट की बात कर रही हूँ। तो आप ये सारे मेथड्स अगर एक बार फॉलो करेंगे तो, और ये वैसे भी आप बाकी प्लांट्स के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ अरिका के लिए करना है, लेकिन अगर आप अरिका पाम के लिए ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ये मैं गारंटी से बोलती हूँ आपको।